सांवेर क्षेत्र के पारिया चौराहा स्थित कृषि टैक्स कंपनी में बिना किसी नोटिस और सूचना के अचानक करीब 70 से अधिक लोगों को काम से निकाला तो मजदूरों ने आक्रोशित होकर कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। आज दिन अपनी मेहनत से यहाँ पर कंपनी को आगे बढ़ा रहे, धरना फिर ले जा रहे, आप लोगों क्यों निकाला, हम लोगों क्यों निकाला, आज हमारी गलती क्या है, कृपया हमें बताने का। एक महीने 16 दिन हो चुके हैं, हमें कहीं काम भी नहीं मिल रहा है और घर की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी घर में आटा ही नहीं है, किसी घर में क्या है, लोग ब्याज से पैसा उठा रहे हैं, किसी हाथ उधारा कर रहे हैं, ऐसे कर करके घर चला रहे हैं। फिर लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति है कि कहीं किसी को रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है। और ऐसे में हम लोगों को ऐसी स्थिति में निकाला कि 11-12 बजे हमारी छुट्टी होने वाली थी और 11 बजे बोला कि भैया तुमको नहीं आना कल से काम पर। और हम मेरे को 12 साल हो गए यहाँ जॉब करते 12 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारे 12 साल की नौकरी का ये सिला दिया इन लोगों ने कि एक घंटे पहले बोल रहे हैं कि तुमको कल से नहीं आना है, तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाए। कौन है वो शख्स जिसके आदेश पे ऐसा हुआ है? रोहित बम कौन है, ये क्या है? रोहित बम यहाँ के मैनेजर थे, अब उनसे कोई जाके बात कर तो बोलते हैं कि हमने तो रिजाइन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली ना वो घर से चलाते हैं, काम चलता है। अभी यहाँ पे संदीप वर्मा करके हैं, वो देख रहे हैं काम अभी यहाँ का साथ। क्या कारण है, क्या आपके काम में कमी थी या क्या? हमारा काम में कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं, और हमारा जो प्लांट है अलग अलग प्लांट बने हुए हैं और हमारे प्लांट में अच्छा काम चल रहा था और आज की स्थिति में बहुत अच्छा 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, अप्रोन्स एंड कार्ट्स। अप्रोन्स में हम लोग काम करते थे और कार्ट्स बंद हो चुका है और हम लोग अप्रोन्स के वर्कर हैं, तो अप्रोन्स वालों को बहुत सारों को निकाल दिया यहाँ पे। अगर मैं ये बात गलत ना हो तो मैं बोलूँ कंपनी ने गुंडे पाल रखे हैं, हमने पहले भी विरोध किया था कंपनी में तो उन लोगों ने हमारे साथ मारकूट भी करी थी हम लोगों के साथ। क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जी हाँ, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसका संरक्षण कर सकते हैं? 12 साल से आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो बीजेपी का संरक्षण है यहाँ पे। बीजेपी का आपकी लड़ाई एक तरह से बीजेपी से भी है? जी सर, बीजेपी से भी है, कहीं ना कहीं बीजेपी। चुनाव भी होने को है, फिर क्या बोलेंगे आप? इस हिसाब से तो मिलावट राम घोषित हो ही चुका है और उसकी नैया डूबेगी इस हिसाब से, क्योंकि वो इतना अत्याचार कर रहा है आज की तारीख में, वो चुनाव के चक्कर में हमारे घर की गलियों में आंगन में बैठ जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद हमारी तरफ मुंह भी नहीं करता। अभी आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई कांग्रेस नेता भी आपके साथ हैं, अब आगे अगर नहीं सुनी गई आपकी तो आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लेबर कोर्ट में भी धरना करेंगे, यहाँ भी कर रहे हैं, अगर इससे आगे उग्र भी करना पड़ा तो इस भोपाल बात पे जाएंगे, भोपाल में जहाँ तक हम जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे और उग्र अगर हुआ हमारी तरफ से तो इसका हम विवश होकर उग्र आंदोलन करेंगे और इसका सारा कंपनी और प्रशासन ही इसका जिम्मेदार होगा। आपका परिचय? मेरा नाम सोहन सिंह खालसा, जाखिया गाँव में रहता हूँ मैं। देखिए कंपनी के जो दलित गरीब मजदूर है जिस प्रकार से इन्हें हटाया गया, निश्चित ही इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है। मैं निवेदन करूंगा कंपनी से भी कि इन वर्करों को जल्द से जल्द वापस रखा जाए और आज हमारी प्रथम आंदोलन है, गेट को हमने आज घेरा है, अगला आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक घंटे के अंदर उन्होंने हमारी मांग को अभी नहीं माना, हम दोनों गेट बंद करेंगे। आज आप काफ़ी समय से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, अंदर से क्या रिस्पॉन्स मिला आज आपको? अभी हमें करीब 30-35 मिनट हो चुका है, कंपनी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हमारे पास आया नहीं है, ना हमारी बात सुनी है, हम थोड़ी देर से और इंतजार करेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव भी होने को है सावेर क्षेत्र में, ऐसे में इस तरह के कार्य और यहाँ मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट जी, यहीं के मंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र के, क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कार्रवाई हो रही है इसी चुनाव को देखते हुए है, जिस प्रकार तुलसीराम सिलावट मिलावट राम घोषित हो चुका है और इस कंपनी से कहीं ना कहीं उसकी साठगांठ है तो इन लोगों को बेरोजगार करने में उनका भी पूर्ण सहयोग है। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं देवव्रत यादव सांवेर का प्रभारी हूँ, आज हम लोग इस मजदूरों के साथ हैं और इनकी मांग पूरी करा के ही रहेंगे। ये प्रेसिटेक इंडस्ट्री लिमिटेड इंडस्ट्री है, 15-15, 16-16 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर और बड़े मेहनती लोग हैं, उनको बंद कर दिया गया है, उनसे ना तो कोई पूर्व सूचना दी गई है ना उनको कोई जानकारी दी गई कि आपको हम इतने समय के लिए बंद करेंगे। बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है कंपनी
इन गरीब लोगों को बाहर कर दिया है। क्या लगता है कितने घर के चूल्हे बुझ जाएंगे अगर ये नहीं? तकरीबन 250 लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं अभी वर्तमान में, और कितने लोगों को ये बाहर करेंगे कोई जानकारी नहीं है। कितने समय से लोग काम कर रहे थे जिन्हें निकाला बाहर? 15 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, 15 से 10 से 7 साल से नीचे कोई भी वर्कर नहीं है काम करने वाला। हमने साहेब श्रम आयुक्त जी को इसके बारे में अवगत भी कराया है। कल हम 2 घंटे उनके ऑफिस में बैठ के आए हैं, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया हमको। अब निकट भविष्य में हम श्रम आयुक्त जी के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं सुनता है तो। आपका परिचय? प्रदीप गिरी गोस्वामी, जिला कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।